हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे स्पेशली वो दोस्त ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे आज जिन्होंने मुझे स्किन केयर की वीडियो रिक्वेस्ट की है आज मैं आपको अपनी स्किन केयर की कहानी बताऊंगी कि कैसे मैंने मेरी स्किन को हील किया है आप मेरी स्किन देख सकते पर आप मेरे काले घेरे देख सकते हैं मेरे मेरे स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूद है आप देखें कोई बम्प नहीं है एंड टेक्स्चर नहीं है बट यस मेरे स्किन पे स्कार्स तो है यहाँ पे मैं एक क्लिप दिखा देती हूँ जहाँ पे मेरी स्किन बिल्कुल जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ कैसे लगती है अभी भी मैंने कोई मेकअप ज़्यादा नहीं पहना है सिर्फ टेंटेड मॉइस्चराइजर लगाया है दैट्स इट नो आई नथिंग आई को ब्रश कर लेते हैं वैसे ओके okay, दोस्तों तो कहानी से शुरू करते हैं सो so, कहानी यह है कि मेरी जो स्किन है हमेशा क्लियर थी स्पेशली जब आपके टीन एज ईयर होते हैं, जब सबके स्किन पे पिंपल निकल रहे थे सिर्फ मेरी स्किन साफ़ हुआ करती थी अगर मुझे कुछ पिक्चर्स मिलेंगी मैं दिखाऊंगी बहुत सालों तक मेरी स्किन बहुत ही मज़ेदार एंड क्लियर थी सो so, बेसिकली मेरी जो स्किन है वो प्रॉ प्रॉब्लमेटिक नहीं थी एंड इवन मेरी शादी के बाद मेरे मिड ट्वेंटी तक मेरी स्किन अच्छी थी एंड देन मेरी स्किन अचानक से खराब होनी शुरू हो गई लाइक like, कुछ ना कुछ मेरे चेहरे पे एक कद्दा पिंपल रहता ही था लाइक like, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि 10-15 पिंपल होंगे एक समय पे एक कद्दा कुछ जरूर रहेगा मेरे चेहरे पे एंड फिर मैंने अपनी uh, स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू किया इन्वेस्टिगेशन so, के बाद जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उससे मुझे पता चला कि मेरी स्किन ड्राई है सो so, रिसर्च करके मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे जिससे स्किन यू नो एक्ने कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशली वो क्लीन एंड क्लियर की फेस वॉश करते हैं तो है जिससे स्ली जिस मेरे जो एक्ने है कंट्रोल हो जाए पर उससे चीजें वर्स हो गई uh, और ज्यादा मेरी स्किन ने ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और uh, फिर मेरी स्किन इतनी टाइट हो गई फिर

ली है कि तुम्हारी स्किन में बिल्कुल भी पानी नहीं है एंड एक्सट्रैक्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कह रही कि अगर तुम्हारी स्किन अच्छी तरह हाइड्रेट हो तो एक्सट्रैक्शन करना बहुत आसान होता है अब तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा रबड़ के जैसी हो गई है बहुत ज़्यादा हार्ड सो so, उसने मुझे कहा कि तुम अपना स्किन केयर जो भी यूज़ करती हो वो बिल्कुल चेंज करके हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करो क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत बुरी तरह डीहाइड्रेटेड है सो बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत है काफ़ी समय लगेगा तुम्हारी स्किन को हील करने के लिए पर मेक श्योर करो कि जो भी तुम प्रोडक्ट यूज करो हाइड्रेट करें तुम्हारी स्किन को अगर तुम फेस वॉश करते हो तब भी हाइड्रेशन वाला हो अगर तुम टोनर यूज करते हो वो भी हाइड्रेट करे मॉइस्चराइज भी हाइड्रेट करे एंड सारी चीज़ें हाइड्रेट करें टी ट्री एंड एसिड ऑयल परऑक्साइड ऐसी बहुत ज्यादा चीजें यूज करती थी ताकि मेरे स्किन का ऑयल कंट्रोल रहे आई डोंट नो बहुत कंफ्यूज थी मैं सो so, उसको सुन के मैंने सोचा कि मैं मेरी सारे स्किन केयर को चेंज करती हूँ एंड मुझे पता चला कि ऑर्डनरी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं आपकी स्किन पे सो so बेसिकली मैंने होल बिग कलेक्शन ऑर्डनरी के प्रोडक्ट्स की खरीद ली जिसमें हाइड्रेशन थी एंड यूज uh, कर लिया मैंने हार्लॉनिक एसिड कर लिया पैटन ऑयल का बहुत ही ज्यादा लाइट वर्जन जो ऑयली था एंड uh, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट um, भी करता है एंड स्कॉर्स uh, को भी हील करेगा उसकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी कि ऑर्डनरी के प्रोडक्ट्स से क्या हुआ सो so, ऑर्डनरी के प्रोडक्ट्स ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया मेरी स्किन हील हो गई आई डोंट नो वो ऑर्डनरी के प्रोडक्ट्स का कमाल था या उन प्रोडक्ट्स का जो हाइड्रेटिंग थे सो so, इस तरह मेरी स्किन हील होना शुरू होगी एक्चुअली मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं जो प्रॉब्लम था वो मैंने खुद से ही क्रिएट किया था सिर्फ़ रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करके सो so गाइस सबसे पहला काम है आपके लिए आपकी स्किन को जानना अगर आप अपनी स्किन को बिना जाने जो भी आपको लोग बता रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट यूज़ करते जाएंगे तो आप अपनी स्किन को वर्स बना लेंगे स्पेशली अगर आपकी स्किन ख़राबी की तरफ चल रही है तो सबसे पहले डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए वो आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे आपको बताएंगे कि आपकी स्किन की टाइप क्या है कौन से प्रोडक्ट यूज करें क्या करें क्या नहीं करें ऐसे हर एक वीडियो देख के हर एक पोस्ट देख के हर चीज़ मत ट्राई करें क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं है आपके लिए वही चीज़ है जो आपके लिए है आई होप आई मेकिंग सेंस और हाइपर पिगमेंटेशन की स्टोरी यह है कि मेरे चेहरे पे अब स्कार्स हैं उसके दो रीज़न हैं एक तो मैंने मेरी स्किन को पिक करने की आदत थी जब कोई ना कोई पिंपल होता था मेरे चेहरे पे मैं उसको पिक करके जब तक उसमें से निकलता नहीं था ना कुछ तब तक मुझे चैन नहीं आता था उससे फिर मैंने स्किन को डैमेज कर लिया जब स्किन डैमेज होती है तो यू नो हाइपर पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है दूसरी चीज़ है कि अ, मेरे जुनेटिक्स में भी मुलाजमा है तो उसने भी हेल्प किया और ज़्यादा इसको बढ़ाने के लिए तीसरी चीज़ है कि मुझे रोमोडाइन अर्थराइटस है जो मैं मेडिकेशन खाती हूँ वो भी आपके चेहरे पे अच्छाईया देता है सो so, मेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स हील हो चुकी हैं बस हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है उसके ये तीन चार मेन रीजंस हैं जो पता नहीं उसको हील ही प्रॉपरली होने देंगे या नहीं यस yes, मेरे मार्क्स काफ़ी लाइट हो जाते हैं सम डेज कभी डार्क हो जाते हैं पर या जब तक मैं ये मेडिकेशन खा रही हूं इस तरह के ही रहेंगे एंड मेरे मॉम के भी स्किन पे मलाजमा है सो so, मेरी जेनेटिक्स की भी प्रॉब्लम है ये मलाजमा मुझे लगता है बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडियंस की प्रॉब्लम होगी ये बहुत ही कॉमन है इतना ज्यादा मैं उसको लेके क्योंकि जब मैं मेकअप करती हूँ मेरा स्किन बहुत स्मूथ लगता है क्योंकि स्किन हील हो चुका है सो so, बेसिकली मेरी स्किन हील एंड चेंज कैसे हुई सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट चेंज करने से जो मेरी स्किन के लिए अच्छे थे इट कितना इजी था राइट right? इतना लंबा ताम छाम किया मैंने इतने सारे दुनिया में जो भी प्रोडक्ट जो भी चीज़ें मुझे मिलती थी हर चीज़ में ट्राई कर रही थी कि हील हो जाए हील हो जाए उस वजह से मैंने चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली सो so, आप के लिए मैं यही चाहती हूँ कि आप वही प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं सो so, अगर आपकी स्किन ऑयली है यस yes, आप ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करें बट मेक श्योर करें कि आपकी स्किन अच्छी तरह हाइड्रेट हो पानी हो आपकी स्किन पानी आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट सपल हेल्दी बनाता है यानी पीना भी बहुत ज़रूरी है एंड पानी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए सबसे प्यारा प्रोडक्ट है हायरोलॉनिक एसिड जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन की हाफ प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं अभी मैं आपको अपना करंट स्किन केयर बताती हूँ कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ डे एंड नाइट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सो लेस इज़ इनफ हेयर बहुत ज़्यादा सिंपल है एक दो प्रोडक्ट्स मैं हेयर डेयर चेंज करती रहती हूँ एंड अर्लियर मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स चेंज करने से बहुत ज़्यादा डरती थी कि अभी ये प्रोडक्ट मेरी स्किन पर अच्छे हैं मैं नया प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो पता नहीं क्या होगा पर वो डर अब मेरा खत्म हो चुका है वो इस वजह से क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन्ग्रीडियंट्स क्या देखनी है हाइड्रेशन देखनी है एंड कोई हार्श क्या केमिकल ना हो खुशबू ना हो पैराबंस ना हो ये, ये सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं तो मैं कोई भी हाइड प्रोडक्ट ट्राई कर लेती हूँ एंड मेरी स्किन पे सही काम करता है सो so, आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ कोरियन स्किन केयर से क्योंकि कोरियन स्किन केयर की इंग्रीडियंट्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं बहुत हाइड्रेटिंग है एंड उनका जो मेन फोकस है स्किन केयर को लेकर के, वो हाइड्रेशन ही है आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर ले स्नेल म्यूसिन वाला या कुछ भी उनकी जो मॉइस्चराइजर है एस पी हैं वो ऐसे आपके स्किन को मॉइस्चराइज uh, कर देते हैं कि आपका ग्लोइंग हो जाता है चेहरा जैसे ग्लास स्किन जैसा इफेक्ट आता है सो कोरियन स्किन केयर आप जरूर से ट्राई करें एक तो वो आप बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है दूसरा वो बहुत अफोर्डेबल है अगर आप स्किन केयर सफोरा से खरीदना चाहते हैं तो हर एक प्रोडक्ट एटी हंड्रेड तक आएगा पर कोरियन स्किन केयर में दस डॉलर सेवनटीन ऑर्डनली को भी मैंने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि अच्छी इन्ग्रीडियंट्स थी एंड हाइड्रेशन थी एंड कोरियन स्किन केयर भी वैसा ही है एक वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाई द वे जहां से मैं सामान खरीदती पे मेजोरिटी कुछ ना कुछ ऑफ चला चल रहा होता है आई थिंक उसका नाम है में भी वो शिप करते हैं आई थिंक वो वर्ल्ड वाइड है आप उसमें से कोई भी कोरियन जापानीज स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यूज करती हूँ पालमर्स का स्किन थेरेपी क्लिनिंग ऑयल ये आपकी मेकअप को डीपली क्लीन कर देता है एंड सारी इंप्योरिटीज को भी क्लीन कर देता है एंड ये नॉन है अफोर्डेबल भी है उसके बाद मैं यूज़ करूँगी बहुत ही मज़ेदार नरिशिंग अवीनो का ओट मिल्क क्लिनजर बहुत अच्छा क्लिनजर है ये बहुत हाइड्रेटिंग है इसके बाद हम टोन करेंगे हमारे फेस को उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉलर्स चॉइस टू परसेंट बी एच ए लिक्व एक्स फोलियंट एसिड के साथ है ये पोर्स को अनक्लॉक करता है एंड लार्ज पोर्स को श्रिंक करेगा बहुत इजीली अब्जॉर्व हो जाता है स्किन में कॉटन पे लगा के नहीं लगाती हूँ मैं डायरेक्टली लगा लेती हूँ मैं नहीं चाहती कि कॉटन में मेरा प्रोडक्ट वेस्ट हो अगला स्टेप है ये विटामिन सी जापानीज स्किन केयर से रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है मैंने इसको बहुत अच्छा है ये इसको मैं सिर्फ हाइपर वाले एरिया पे ही लगाती हूँ इससे भी मैं डायरेक्टली स्किन पे लगाती हूँ बहुत ही ज़्यादा पतला सिरम है ये इसको हम हाइपर पिकमेंटेशन पर पैट पैट करके लगा देंगे स्किन पर सो so, अगला प्रोडक्ट है ये डार्क स्पॉट सिरम ये कोरियन स्किन केयर से है इसके रिव्यू मैंने सुने हैं बहुत अच्छे हैं पर कुछ लोग कहते हैं नहीं इसमें नियासिनमाइड है इसे भी मैं सिर्फ प्रॉब्लम वाले एरिया पे लगाती हूँ एंड बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी जेल जैसे है एंड बहुत क्विकली ऑब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पर जब भी हम कोई प्रोडक्ट लगाते हैं स्किन पर थोड़ी थोड़ी ब्रेक लें ताकि अगले प्रोडक्ट को लगाने से पहले पुराना प्रोडक्ट अच्छी तरह स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाना चाहिए आई क्रीम के लिए ये कॉस्ट्रेक्स ब्रांड की स्नेल म्यूसन वाली आई क्रीम यूज़ करती हूँ अच्छी प्यारी हाइड्रेटिंग क्रीम है क्योंकि ये जो आंखों की साइड वाली स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली अगर आप एज हो रहे हैं सबसे पहले रिंकल्स यहीं पे दिखेंगे सो so, 25 फाइव प्लस लोगों को आई क्रीम लगाना शुरू कर देना चाहिए अगला स्टेप आ, वन सा वीक कर लेती हूँ मैं यह नामबीन सिरम है नंबर फाइव गुड बाय ब्लैमिश कोरियन स्किन केयर है ये ब्लैमिश के लिए है ताकि ब्लामिशेज आपके स्किन से दूर रहे वन सा वीक करती हूँ मैम मॉइस्चराइजर के लिए अवीनो का एब्सोल्युटली एजलेस नाइट क्रीम लगाती हूँ मैं बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग है ये जब इसको ब्लेंड करेंगे ना स्किन में इतना अच्छा ब्लेंड होता है आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट फील हो रही है जरूर से ट्राई करना एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऑयल फ्री जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें पर ज़रूर से करें सुबह का समय है तो मैं सनस्क्रीन ज़रूर से लगाऊंगी ये सुपर गुप का एवरी डे लोशन जनरसली अपने चेहरे पे लगाऊंगी और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप ब्लेंड कर देते हैं पता भी नहीं चलता कि आपने कोई सनस्क्रीन यूज़ किया है क्योंकि कोई वा, वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है आपके चेहरे पर और पीएम के समय पे स्किन केयर ऑलमोस्ट सेम है पर मैं वंस अ वीक ट्रेटनाइल क्रीम लगाती हूँ जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव सबसे ज़्यादा लाइट है ये जब ये मैं यूज़ करूँ क्योंकि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइंग है ये पर क्वांटिटी इसकी बहुत कम पी साइज अमाउंट में लगाऊंगी मैं एंड देन स्किन को हाइड्रेट करने के लिए स्नेल म्यूसन ये एसेंस ज़रूर से लगाती हूँ अदरवाइज स्किन बहुत ड्राइंग होगी एंड बहुत सारे पिम्पल्स आ जाएंगे एंड वंस अ वीक मैं कास्टर ऑयल भी लगा लेती हूँ क्योंकि ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है इतने सारे गुण हैं इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊँ ये स्कार्स के लिए भी अच्छा है हाइड्रेशन के लिए भी अगर आपकी स्किन में ऑयल की कमी हो उसके लिए भी अगर आपकी स्किन ड्राई है आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड कास्टर ऑयल की एक और अच्छी चीज़ है कि ये आपके पोर्स को क्लॉक नहीं करता है सो so, अगर आप अपने चेहरे पे कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि वो आपके पोर्स को क्लॉक कर सकता है सो ऐसा ही ऑयल यूज़ करें जो आपके पोर्स को क्लॉक ना करे ओके so, okay, दोस्तों नीनी -नी टाइम आ गया है अब सो so, यस yes, दोस्तों यही मेरा स्किन केयर रूटीन है आज का सो so, मैं आपको पाँच दस ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपकी स्किन को हील करने के लिए आपकी मदद करेंगी सब सबसे पहली है कि डॉक्टर को जरूर से विजिट करें अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा नॉर्मल से ज़्यादा खराब होना शुरू हो गया है एक अद्धा पिम्पल है तो कोई बात नहीं पर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें क्योंकि डॉक्टर्स को ज्यादा पता है एंड कई बार जो स्किन पे ऐसी चीजें आती हैं वो किसी ना किसी चीज़ का अंडरलाइन कंडीशन का सिम्टम हो सकता है तो आपको ऐसे रिस्क नहीं लेना है आपको हमेशा चेक करना है कि ये सब क्यों हो रहा है दूसरी चीज़ें डबल क्लिंस करें पह, एक ही बार मत फेस को वॉश करें पहले ऑयल से क्लेंस करें या किसी भी बाम से अपने मेकअप को अच्छी तरह रिमूव अगर मेकअप नहीं भी पहनते हैं तब भी डबल क्लेंस जरूर से करें फर्स्ट किसी ऑयल से बाम से अपने फ़ेस को क्लीन करने के बाद फ़ेस वॉश यूज़ करें जो फ़ेस वॉश भी आप यूज़ करते हैं वो भी कोशिश करें हाइड्रेटिंग हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑयल फ्री हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट ही यूज करें ऑयल कंट्रोलिंग मत करें क्योंकि जब आप ऑयल कंट्रोलिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप अपना फेस का ऑयल एकदम से खत्म कर देते हैं एंड आपके फेस को लगता है फेस की स्किन को लगता है आपके स्किन में ऑयल की कमी आ गई वो और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा सो so, आपको बार 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 फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है दिन में सिर्फ दो बार करें एक सुबह एक शाम को अगर एक बार करना चाहते तो एक ही बार करें क्योंकि बहुत बार फेस वॉश करना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है सो डबल क्लिनजिंग हमने कर ली डबल क्लिनजिंग के साथ ही कभी भी किसी भी हालत में मेकअप में मत सोएं क्योंकि वो तो आपकी स्किन को बुरी तरह क्लॉक कर देगा उसको सांस नहीं आएगी तो सात आठ घंटे के लिए मेकअप एनाफ है उसके बाद जरूर से रिमूव करें सोने से पहले एंड मेकअप वाइप्स को ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है अगर यूज भी करनी है तो कोशिश करें उसमें पैरबनस ना हो फ्रेग्रेंस ना हो जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल होना चाहिए और अपने पिल्लो केस को जरूर से चेंज करते रहें क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि हमारे बाल भी वहां पे होते हैं और बालों में से भी चीजें निकल के आपके चेहरे पर आती रहती हैं और हमें ये नहीं चाहिए पिल्लो केस को जरूर से चेंज करते रहें एंड बालों को बांध के सोए एंड बालों को क्लीन रखें क्योंकि बहुत बार होता है कि जब आपके बाल ऑयली एंड गंदे होते हैं तो आपके फोरहेड में बम 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 आ जाएंगे सो बालों को अपने चेहरे से दूर रखें अगर चेहरे पे भी आपका हेयर स्टाइल है तो कोशिश करें कि आपके बाल नाइस एंड क्लीन हो ऐसे नहीं है कि आप सात दिन बाद ही तोयेंगे हफ्ते में दो बार तो लें पर बालों का क्लीन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्लीन स्किन के लिए ओ माई गॉड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी स्किन केयर यूज़ करते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सनस्क्रीन यूज़ ज़रूर से यूज़ करें करिए हर कोई बोलता है पर हर कोई इग्नोर कर देता है क्योंकि सन सनस्क्रीन जितना अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट है उतना कुछ भी नहीं है आप हजारों डॉलर्स के प्रोडक्ट अपनी स्किन पर लगा लें एंड आप सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं तो पंच मिनट का सन टाइम आपके महीने की स्किन केयर को चौपट कर देता है नहीं चाहिए ना आपको सनस्क्रीन जरूर से लगाएं डज इंट मैटर कि फॉगी दिन है रेनी दिन है कैसा दिन है जरूर से लगाएं एंड री अप्लाई भी करें अगर आप कर सकते हैं पर सवेरे तो लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, जरूर से लगाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्किन केयर का अगर अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो अभी से सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देंट स्किन केयर को जितना आप लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे उतना ही अच्छा है लेस इज एंड आपको लाइक मिलियन स्टेप्स नहीं चाहिए तीन चार स्टेप चाहिए अल्लास आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम्स हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू नो बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्किन केयर होना चाहिए आपका क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना ही आपकी स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि स्किन को भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं हम बीस स्टेप से कि क्या करें वो बेचारी और दुनिया में कोई भी एक मैजिक प्रोडक्ट नहीं है कि एक मैजिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और आपकी स्किन ऐसे चमकदार हो जाएगी तो लोगों की बातों में मत बताएँ मल्टीपल चीज़ें कंबाइन हो के कम्बिनेशन से आपकी स्किन हील होगी आपकी ज़िंदगी हील होगी आपकी सेहत हील होगी एक ही स्टेप नहीं है कि आज मैं कहूँगी ये वाला प्रोडक्ट ले लें एंड ले सारा कुछ सही हो जाएगा सारा कुछ सही नहीं होगा छोटी छुट छोटी कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी सो so, ए वाली चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि वो ये वीडियो बेकार है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं बहुत सारी चीज़ें करने के बाद ही सॉल्व होगी प्रॉब्लम ऐसे कोई जादू की पूरिया नहीं मिलेगी आपको कि उसको खोल के पियेंगे और सुबह ग्लोइंग ग्लास स्किन के साथ उठ जाएंगे और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या डिहाइड्रेटेड है जब आप फेस वॉश करते हैं ऐसे टाइट हो जाता है तो पंद्रह दिन में एक बार कोई अच्छा सा हाइड्रेटिंग स्लीपिंग मास्क जरूर से यूज करें मेरा फेवरेट है ये ओरिजन का स्लीपिंग मास्क ये मैं हफ्ते में एक बार पंद्रह दिन में एक बार ऐसे जरूर से यूज करती हूँ इसके बाद मेरी स्किन सुबह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है स्पेशली अगर आपको लगता है कि कल कोई इवेंट है तो ज़रूर से हाइड्रेट करें जब आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरह हाइड्रेट होगी ना तो आपका मेकअप एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा होगा अंदर से ग्लो निकल के आएगा आप स्किन में आपको बहुत अच्छा लगेगा लास्ट है आ, कि अगर आप कर सकते हैं तो पेपर टावल से अपना फेस ड्राई करें नॉर्मल टावल से मत करें आपको पता नहीं है कि उसमें कितने बैक्टीरिया बन जाते हैं जब हम अपने फेस को टावल से ड्राई करते हैं वो सारे बैक्टीरिया हम फेस पे छोड़ देते हैं सो so, कोशिश करें कि पेपर टावल से ड्राई करें अगर पेपर टावल नहीं करना चाहते तो क्लीन टावल करें हर दूसरे दिन टावल को चेंज करें छोटे छोटे फेस रावल ले लें उनको वॉश करते रहे ड्राई करते रहें या फिर अपने चेहरे को एयर ड्राई होने दें क्योंकि आपके चेहरे की स्किन को भी पानी की जरूरत होती है एकदम से हम पहुंच देते हैं तो वो सारा पानी हम उससे छीन लेते हैं आप देखना कि अगर आप अपने चेहरे को एयर ड्राई होने देंगे ना आपकी स्किन कितनी जल्दी पानी सोख लेगी वो भी अच्छा है आपके लिए सो यस दैट्स एट सो या जैसे भी मेरी स्किन आजकल है आई एम वेरी हैप्पी रियली मैं चाहती हूँ कि मेरी हाइपअप एगमेंडेशन चली जाए उसके लिए मैं रेटिनॉल यूज कर रही हूँ पर उसमें काफी समय लगेगा शायद एनी थी, हील ना हो ऑलरेडी कितने साल हो चुके हैं पर मेरी मेडिकेशन भी उसे हील होने में मेरी मदद नहीं कर रही है दैट्स इट दोस्तों ये है मेरी स्किन हीलिंग की जर्नी आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा और आपको आइडिया आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं आ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे पहले से देखते हैं तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कमेंट बार में कोई प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ना एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आजकल हम ब्लॉगमेस भी कर रहे हैं तो इतने प्यारे व्लॉग्स बनाती हूँ मैं जिसको मिस नहीं करना चाहेंगे एंड वीडियो को लाइक जरूर करना उससे मुझे मदद मिलती है थैंक यू बाय बाय लालू